एमएल अग्रवाल, चैप्टर 9 एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 10। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी सीरीज आपको यहाँ गिवन दिया हुआ, गिवन है हमारे पास 53, 48, 43 एंड डैश डैश। अगर हम इस नंबर को देखें तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, 53, 48, 43। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है आपका 5, कितने का डिफरेंस है 5, यानी अगर हम इस साइड से इसे करें तो -5 का हो रहा है, यहाँ भी -5 का होगा, तो -5 के डिक्रीजिंग पे कहीं ना कहीं यह नंबर जाके 0 और निगेटिव भी आएगा। तो हमें ये बताना कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, यानी 43 5 माइनस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, फिर 5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव नंबर ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 2 का डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे 8 हुआ, और 2 डिफरेंस करेंगे 6, फिर और 2 डिफरेंस करेंगे 4, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 0, देन आफ्टर -2 आ गया ना, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हुआ, -2। तो वही हमें यहाँ पे सर्च करना है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इस सीरीज में क्या होगा। ओके, तो हमें यहाँ फाइंड करना है निगेटिव टर्म्स, कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, ए तो दिया है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 53, सो फर्स्ट टर्म आपका 53 है। डिफरेंस कोई भी कॉन्सिक्यूटिव इनमें से माइनस कर दीजिए, चलिए 48 से 53 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या हुआ -5। ओके, सो यहाँ पे तो हमें ये मालूम नहीं कि निगेटिव, भाई जब निगेटिव स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू निगेटिव होंगे, तो वो तो और नंबर हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट निगेटिव टर्म को हम यहाँ पे लेट करते हैं, वो क्या है n, क्या लेट कर लेते हैं n। तो फार्मूला क्या है एपी सीरीज का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर? अब ए एन हमें फाइन करना है कि ए एन प्लेस पे ही आपका निगेटिव होगा, तो ए प्लेस पे आपका 53 प्लस एन, एन यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, -1, डिफरेंस -5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और एन की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, सो 53 -5 इंटू एन -5 एन -1 प्लस 5, 53 प्लस 5 58 -5 एन। अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड हुई ए एन का 58 -5 एन। अब यहाँ पे ज़रा सोचिए कि ये नंबर जब आगे जाएगा तो माइनस कब आएगा, जब जीरो को क्रॉस करेगा, किसे क्रॉस करेगा जीरो को, जैसे ही जीरो को क्रॉस करेगा निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जीरो को जैसे ही क्रॉस किया निगेटिव आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो ए एन है उसके हम कर लेंगे ए एन इक्वल टू जीरो, भाई जीरो को क्रॉस करेगा तो ए एन इक्वल टू जीरो। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 58 -5 एन इक्वल टू जीरो। अब 5 एन को ट्रांसफर कर लीजिए, आपको फर्स्ट टर्म यहाँ से फाइंड हो जाएगा 58, सो एन इक्वल टू 58 अपॉन 5, 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, मिक्स फॉर्म पे करते हैं, 5 वन जा 5, 3 रिमाइंडर, तो 3 अपॉन 5, यानी अप्रोक्सीमेटली, ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल 11 कंप्लीट 3 अपॉन 5, तो भाई इससे अप्रोक्सीमेटली हम आगे का ही नंबर एक्सेप्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हैंस 12th, भाई इससे आगे का नंबर क्या हो जाएगा, 12th टर्म विल बी निगेटिव। 12th टर्म कैसे, ये आपका a1 हुआ, a2, a3, जो फर्स्ट निगेटिव होगा वो a12 पे होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द एपी सीरीज हुज फिफ्थ टर्म इज 19, जो गिवन है उसे फर्स्ट राइट कर लीजिए, आपका आंसर गिवन पे ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो फिफ्थ टर्म मीन्स एपी सीरीज का अगर हम फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करें, तो एपी सीरीज का जो कोई भी टर्म, ये फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यही आपका टर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्म, जो भी टर्म हो। यहाँ पे देखिए 15 टर्म, तो 15 टर्म्स को हम an बोलते हैं, क्या बोलते हैं an, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो an ही टर्म आपका कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज 19, तो इसका मीन्स हुआ कि an के प्लेस पे जो n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5,
इक्वल टू क्या दिया है 19। क्लियर। अगर हम इसे थोड़ा सा रिमाइंड करें कि फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, कोई भी टर्म हो तो टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। भाई ए हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं, डी भी हमारे पास नहीं वो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे सेटअप तो कर सकते हैं ना। इसका मीन्स ए फाइव इक्वल टू ए नहीं है कोई बात नहीं, एन तो है हमारे पास फाइव, तो फाइव कर लीजिए, और डिफरेंस नहीं है वो भी कोई बात नहीं, ए फाइव तो दिया है 19। अगर हम इसे देखें तो ए प्लस फोर डी, ये हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो फाइंड हुआ ना, ए प्लस फोर डी इक्वल टू 19। चलिए ये तो गिवन हो गया, आगे देखते हैं। एंड डिफरेंस द एट टर्म, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, एट टर्म लेकिन यहाँ फ्रॉम लगा, क्या लगा हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब इससे हमें ये माइनस करना है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट पे होगा, तो 13 टर्म, तो 13 टर्म आप कर लीजिए, ए 13 टर्म, भाई वैल्यू नहीं है डिफरेंस है, तो 13 टर्म ये हो गया, फ्रॉम 13 टर्म हमने ये किया, और फ्रॉम से पहले क्या लिखा है 8 टर्म, तो 8 टर्म हमें माइनस करना है, तो 8 टर्म आपका ये हो गया, मतलब 13 टर्म से 8 टर्म माइनस करने पे हमें क्या मिलता है 20। चलिए भी हो गया, और हमें यहाँ पे क्या सेटअप करना है, एपी सीरीज, हमें भाई सीरीज चाहिए, और सीरीज कब होता है, ये है आपका सीरीज, यही ना है आपका एपी सीरीज, मतलब ए वन चाहिए, ए टू चाहिए, ए थ्री चाहिए, डैश डैश चाहिए, तो भाई उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डिफरेंस चाहिए, हम सीरीज ऑलरेडी बना लेंगे, ए चाहिए और डी। चलिए इसी के सेटअप पे यहाँ भी करते हैं 13 का, तो 13 का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, जैसे हमने ए फाइव का किया वैसे 13 का कर लीजिए, तो ए 13 के प्लेस पे क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, माइनस इसके प्लेस में भी होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, होगा ना यही फार्मूला, इक्वल टू 20। चलिए ए प्लेस पे तो हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं, एन प्लेस पे आपका 13 है माइनस वन डी, एंड माइनस यहाँ भी वैल्यू पुट करिए 8 के अकॉर्डिंग, ए प्लस एट माइनस वन डी इक्वल टू 20, सो ए प्लस 12 डी हो जाएगा, माइनस अंदर एंट्री करेंगे तो माइनस ए, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस वन 7 डी इक्वल टू 20, ए से ए कैंसिल, और देखिए यहाँ डी हमें फाइंड हो गया, 12 माइनस 7 5 डी इक्वल टू 20, सो डी इक्वल टू 20 अपॉन 5 फोर जा 20, सो डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब डी के अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो डी की वैल्यू चाहे आप इसमें पुट करिए, यहाँ पुट करिए, कहीं भी पुट कर लीजिए, जिसमें भी आप चाहें उसमें राइट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, सो ना ए प्लस फोर डी इक्वल टू 19, तो ए प्लस फोर डी के प्लेस पे 4 इक्वल टू 19, 4 फोर जै 16 और ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 16, सो ए इक्वल टू 3। अब आप ए पी सीरीज यहाँ पे सेट कर लीजिए, सो ए पी सीरीज हैंस ए पी सीरीज कैसे होगा, ए आपका फर्स्ट टर्म है 3 कर लीजिए, डिफरेंस कितने का है 4, तो 3 में 4 ऐड कर लीजिए 7, और 4 ऐड करिए, सॉरी 3 4 7 होगा, 7 4 ऐड करिए 11, 4 ऐड करिए 15, 4 ऐड करिए 19, और आप कर सकते हैं। अब डिफरेंस एक बार चेक करना है, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ 3, तो ये आपका फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस करिए ए टू माइनस ए वन, तो 7 माइनस 3 4, तो डिफरेंस आपका ये आपके सामने, तो ये आपका सीरीज हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कैसे, डिटरमाइन द ए पी हूज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16, तो गिवन कर लीजिए, भाई थर्ड टर्म दिया है, तो थर्ड टर्म मीन्स ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो थर्ड टर्म आपका 16, तो थर्ड टर्म में आपका 16 है, क्लियर, ए रहन दीजिए, थर्ड आप यहाँ पे कर लीजिए 3 माइनस वन एंड डी, सो 16 इक्वल टू ए प्लस टू डी। अगर आपको जल्द से जल्द राइट करना है तो देखिए थर्ड है तो आप सीधे आप लिख लीजिए ए प्लस टू डी, थर्ड में एक माइनस कर लीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल टू 16। चलिए आपका फर्स्ट इक्वेशन,
सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब फिफ्थ टर्म से सेवेंथ टर्म एक्सीड यानी आगे की ओर जा रहा है, तो कितना जा रहा है 12, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, सेम हो गया, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, फर्स्ट आप सेवेंथ टर्म करिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेवेंथ टर्म एक्सीड हो रहा है, तो मतलब माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू कितना एक्सीड हो रहा है 12, तो यहाँ पे आप 12 कर लीजिए। तो सेवन टर्म में आप अगर डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहें तो एक माइनस कर दीजिए, बस सिर्फ वन, तो सेवन में वन माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6d, या फिर आप ऐसे ही कर लीजिएगा, देखिए थर्ड टर्म तो 2d, सेवन टर्म तो 6d, फाइव टर्म तो 4d माइनस, और आपको डिटेल करना है तो ऐसे आप राइट कर सकते हैं, तो a माइनस 4d कर लीजिए यहाँ पे, सिंपल, आपको जल्द से जल्द भी आंसर हो जाएगा। तो a प्लस 6d माइनस को अंदर एंट्री कर लीजिए प्लस 4d, सिंपल, और a तो हर बार आपका कैंसिल होगा, 6d 4d आपका 10d हो गया इक्वल टू 12, सो डी इक्वल टू, सॉरी एक मिस्टेक हुआ, a प्लस 6d, थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ पे 4d होगा, प्लस ही होगा, नो चेंजेस, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये अंदर की एंट्री होगा तो माइनस होगा, तो 6d माइनस 4d 2d हो जाएगा यहाँ पे, तो d को 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 6 जा 12, यानी d की वैल्यू 6, चलिए d की वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपका आंसर है पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख लीजिए आप, इनमें भी रख सकते हैं आप, आपका आंसर वही आएगा, सो a प्लस 2d इक्वल टू 16, सो d के प्लेस पे रख लीजिए, तो 6 है तो 6 2 जा 12, सो 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 12, सो a इक्वल टू 16 माइनस 12 4, चलिए फर्स्ट टर्म भी फाइंड हो गया, डिफरेंस भी फाइंड हो गया, हैंस ए पी सीरीज आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका 4, डिफरेंस कितना है, देखिए पॉजिटिव अगर डिफरेंस है तो प्लस करते जाइए, डिफरेंस माइनस है तो इस नंबर से माइनस करते जाइए, सिंपल, तो 4 है तो नेक्स्ट इसको ऐड कर दीजिए डिफरेंस को, तो 4 6 10 10 6 16 16 6 22, ऐसे आप डैश डैश कर सकते हैं और चेक कर लीजिए आपका आंसर राइट है रॉन्ग, तो ए के प्लेस पे देखिए 4 है, अब 10 माइनस 4 करते हैं बैक साइड से, तो 10 माइनस 4 आपका 6, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द 20 टर्म ऑफ ए पी, ठीक है भाई फाइंड करेंगे 20 टर्म, हमें फाइंड करना है 20 टर्म्स, ठीक है आगे पढ़ते हैं, हूज सेवन टर्म इज 24, जैसे दिया वैसे ही करते हैं, इज लेस देन द 11 टर्म, जो सेवन टर्म है वो 11 टर्म से 24 लेस है यानी कम है, तो चलिए भाई जैसा वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सेवन टर्म और यहाँ पे है 11 टर्म, तो 11 टर्म आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, तो आप यहाँ पे करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 टर्म माइनस 7 टर्म कितना है 24, भाई 7 टर्म इज 24 लेस, तो लेस कौन है 7 टर्म, किससे 11 टर्म से, तो 11 टर्म को हम फर्स्ट करेंगे और 7 टर्म को बैक साइड करेंगे, अभी हमने आपसे बताया कि 11 टर्म को आपको कैसे राइट करना है, a प्लस एन माइनस 1d, तो देखिए 11 दिया है तो एक कम कर दीजिए सिर्फ एक, तो कितना हो जाएगा 10d, n माइनस 1d तो n आपका 11 है, तो n 11 माइनस 1, भाई फार्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1d, ए तो नहीं है हमारे पास, n तो है 11, तो 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो यही तो राइट है यहाँ पे a प्लस 10d, सेम 7 को भी कर लीजिए, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 7 में एक कम कर दीजिए 6d, 1 सिर्फ 1 लेस कर दीजिए 24, सॉल्व कर लीजिए यहीं पे ही कुछ ना कुछ फाइंड हो जाएगा, माइनस अंदर एंट्री माइनस माइनस 6d इक्वल टू 24, a कंटिन्यूसली कैंसिल, 10 माइनस 6 4d इक्वल टू 24, सो d इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, सो d इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म क्या चाहिए 12, तो चलिए भाई 12 भी यहाँ पे है, बीइंग क्या है 12, तो a इक्वल टू तो ऑलरेडी 12 दिया है,
क्या दिया है 12, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर फर्स्ट टर्म 12 से, तो 12 हो गया। हमें फाइंड करना है 20 टर्म, तो भाई हमारे पास तो सब कुछ है तो हम 20 टर्म फाइंड करने के लिए रेडी हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमें फाइंड करना है 20 टर्म, तो ए 20 कर दीजिए। ए आपके पास है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12 से, एन कितना है 20, 20 माइनस वन कर लीजिए, हमने आपसे बताया था वन सिर्फ वन कम करना है, डिफरेंस तो ऑलरेडी हमारे पास फाइंड है। सो ए 20 इजक्ल टू 12 प्लस 19 इंटू 6, सो 12 प्लस 19 सिक्स जा 114, 4 टू 6 12, 126 होगा 20 टर्म। हैंस 20 टर्म्स इज 20 टर्म इन एपी सीरीज इज 126। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 से ज़्यादा इजी तो कोई है ही नहीं। फाइंड द 31 टर्म्स, हमें 31 टर्म्स को फाइंड करना है। एपी हुज 11 टर्म इज 38, देखिए गिवन क्या है वो आप राइट कर लीजिए। 11 टर्म इक्वल टू 38 एंड 6 टर्म, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 6 टर्म इक्वल टू 73, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 टर्म को हम क्या राइट करेंगे फार्मूले पे, a प्लस एन माइनस वन डी, तो 11 है तो 1 माइनस कर दीजिए तो 10d हो जाएगा इक्वल टू 38। चलिए फर्स्ट इक्वेशन रेडी, सेकंड इसको भी इसी फॉर्म पे, तो 1 माइनस कर दीजिए 6 से तो a प्लस 5d इक्वल टू 73, ये आपका सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे डाउन साइड आप कर लीजिए a प्लस 5d इक्वल टू 73, और यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए सिंपल। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस साइन चेंज कर लीजिए, ये आपका साइन चेंज, इसे कैंसिल, 10 माइनस 5d इक्वल टू, यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा पॉसिबल, सो 8 5 13 एंड 6 माइनस 3 35, सो डी इक्वल टू अपॉन 5, सो डी इक्वल टू 5 7 जा 35, सो डी इक्वल टू माइनस 7। अब डी की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, सो ए प्लस, ध्यान दीजिएगा 10 इंटू डी के प्लेस पे माइनस 7 इक्वल टू 38, सो ए 10 7 जा 70, माइनस 70 होगा तो माइनस 70 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 70 हो जाएगा, सो ए इक्वल टू 7 3 100, तो फर्स्ट नंबर आपका हुआ 38 है, हमने 30 यहाँ राइट कर लिया, 108 यहाँ पे क्या होगा 108, तो ए की वैल्यू 108, हमें फाइंड करना 31st टर्म, सो 31st टर्म इक्वल टू फार्मूला ए प्लस 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30d, सो ए की वैल्यू 108 प्लस 30 इंटू डिफरेंस माइनस 7, सो 108 माइनस 7 3 जा 21, सो माइनस करते हैं, सो 0 माइनस 8 2, 1 आपका 0 हो जाएगा, 0 ये हो गया एंड 2 माइनस 1 1, माइनस 102। अब इसे हम प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं कि क्यों माइनस पे हुआ, देखिए 6 टर्म क्या है 73 क्या है, अगर हम एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 के प्लेस पे 73 है, ठीक है, ए के प्लेस पे क्या है 108, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो 108 से कम की ओर जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो ज़ीरो होगा ना, और ये कौन सा टर्म हुआ ए, ये कौन सा टर्म हुआ आपका 6, तो 11 ऐसे डैश करते जाएंगे तो 11 में क्या है आपका 38, तो ये कम ही हो रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, तो श्योर है कि अगर हम फाइंड करें 31st तो श्योर है वो माइनस 102 होगा, क्योंकि डिफरेंस माइनस 7 का है, तो ये आपका आंसर हुआ।
नौ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन 14 के जैसे है। हमें गिवन क्या है, इफ द 7 टर्म ऑफ ए पी 1/9, ठीक है भाई, 7 टर्म आपका दिया है 1/9, तो 7 टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 1 माइनस कर दीजिए 6d इक्वल टू 1/9, ठीक है। एंड 9 टर्म क्या है, तो 9 टर्म आपका दिया हुआ है 1/7, फाइंड 63rd, ठीक है, बाद में पहले ए और डी तो फाइंड कर लें। तो 9 टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दीजिए 9 में, 8 हो जाएगा, तो 8d इक्वल टू 1/7। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड। एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्टिंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो a प्लस 6d, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a माइनस 8d, सो 1/9 माइनस 1/7, a से a कैंसिल, 6d माइनस 8d माइनस 2d इक्वल टू 9/7, यहाँ पे 9/7 जा 63, एलसीएम हो जाएगा, 7 इधर हो गया माइनस 9, सो माइनस 2d इक्वल टू माइनस 2/63, माइनस से माइनस कैंसिल, सो डिफरेंस इक्वल टू 2/63 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, अरे डिफरेंस तो बहुत डेंजरस आया है, 1/63। डी की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे, ए प्लस 6 एंड डी के प्लेस पे 1/63 इक्वल टू 1/9, 3 2 जा एंड 3 2 जा 3 1 जा। अब ए प्लस, तो इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/9, और यहाँ पे देखिए 2/21 है, तो 2/21 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 2/21, सो एलसीएम, सो 9 एंड 21 का एलसीएम 63, 9/7 जा 63, 21 3 जा 63, 3 2 जा 6, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/63। चलिए ए की भी वैल्यू 1/63 है और डी की भी वैल्यू 1/63 है, तो हमें फाइंड करना है 63 टर्म, सो 63 टर्म, ए 63 इक्वल टू 1 माइनस कर दीजिए 62 हो जाएगा, सो ए की वैल्यू 1/63, 62 इंटू डिफरेंस 1/63, सो यहाँ पे तो एलसीएम होगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 63 ही आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आपका 62 है, क्योंकि 62 1 जा 62, तो 62 प्लस 1 63/63 कैंसिल, और आपका 1, यानी ए 63 यानी 63rd टर्म इज 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 टू फर्स्ट, द 15 टर्म ऑफ ए पी इज 3 मोर देन ट्वाइस, यहां तो कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, इज 7 टर्म, किसे 7 टर्म से, चलिए वो तो हो गया। इफ द 10 टर्म ऑफ ए पी इज 41, चलिए ये इजी वे पे दिया है, फर्स्ट हम इसी को राइट करेंगे भाई, 10 टर्म हमें क्या दिया है 41 इक्वल टू 41, तो 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 टर्म, 9d इक्वल टू 41। चलिए फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। अब बात करते हैं जो ये यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, 15 टर्म ऑफ ए पी इज 3 मोर देन ट्वाइस, तो हम पहले 15 टर्म को तो राइट कर लें, फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं, किससे, 7 टर्म से, है ना, तो यहाँ 15 है, तो 15th टर्म जो है वो 7 टर्म से इतना ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि एक पर्सन है यहाँ पे एंड एक अनदर पर्सन है, इसका वेट 60 kg है, इसका वेट 30 kg है, तो भाई ये इससे 2 times ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है, ये 2 times ज़्यादा है इससे, तो आप ये थोड़ी राइट करेंगे कि इसके, मान लीजिए x है ये y है, तो अब बताइए वो 2 times आप किधर राइट करेंगे, तो आप इस साइड करेंगे ना, तभी तो इक्वल होगा, अगर आप इधर कर देंगे तो इक्वल का साइन नहीं होगा भाई, ग्रेटर हो जाएगा,
क्योंकि ये तो ऑलरेडी 60 है, तो इसे इक्वल करने के लिए हम 2 टाइम्स इधर बताएंगे। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 2 का इनटू करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये सब कुछ जो ट्रांसफ़र होता है इक्वल करता है। तो अब भाई ये कंडीशन में ज़्यादा कौन है, 3 मोर देन ट्वाइस कौन है, 15 है, तो 15 के साइड कर देंगे तो ग्रेटर ना हो जाएगा, तो हम 15 जो 3 मोर देन ट्वाइस है वो 7 साइड करेंगे। ये बात याद रखिएगा, हमने यहाँ प्रैक्टिकल दिखाया भाई, किसी का 60 kg वेट है, किसी का 30 है, तो 60 वाला क्या बोलेगा कि मैं तुमसे 2 टाइम्स ज़्यादा हूँ, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो उसके साइड आप लिखेंगे जो कम है, तभी तो इक्वल होगा। तो 15 टर्म का पहले हम फार्मूला तो कर लें, 1 माइनस कर लें तो 14D हुआ, इधर 7 टाइम्स को करें तो a प्लस एक 1 कम कर दीजिए, 6D हो गया। कंडीशन जो अप्लाई करेंगे वो किसके साइड करेंगे, 7 टाइम्स के साइड, तभी तो इक्वल होंगे ना दोनों। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे 3 मोर देन ट्वाइस है तो बॉड मास लगेगा। बॉड मास कैसे, पहले मल्टीप्लाई देन आफ्टर प्लस या माइनस, तो ट्वाइस पहले करेंगे, चलिए ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स कर दिए। अब 3 मोर, मोर मतलब प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई देन आफ्टर प्लस माइनस। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस 14D इक्वल टू 2a प्लस 6 जो 12d प्लस 3। ए को एक साइड कर लीजिए, वन साइड, तो देखिए 2 आपका इधर ग्रेटेस्ट है तो इधर ही कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, यहाँ पे 12d है इसको इधर ले आइए, माइनस 14d ओके प्लस 3। पहले सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका a 12 माइनस 14 माइनस 2d और ये 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस 3, ये आपका इक्वेशन रेडी। अब इसे हम राइट कर सकते हैं a माइनस 2d इक्वल टू माइनस 3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी, मतलब इधर इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए a है, यहाँ भी a है, तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में a प्लस 9d, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a और ये आपका प्लस हो जाएगा 2d। अब यहाँ पे क्या है 41, यहाँ पे आपका माइनस करेंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार राइट कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये इसका साइन है, इसे कैंसिल, 9 2 11d इक्वल टू 41 प्लस 3, सो डी इक्वल टू 44 अपॉन 11, 11 4 जा 44, सो डी की वैल्यू 3। चलिए डी की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड पे पुट करते हैं, फर्स्ट पे कर लीजिए या सेकेंड पे, नो डाउट। सो ए माइनस 2 और डी है तो डी की वैल्यू 3 है, इक्वल टू माइनस 3, सो 3 2 जा 6, माइनस 6, माइनस 6 को ट्रांसफ़र करिए, प्लस 6, सो इक्वल टू 3, प्लस 6 माइनस 3 6, तो फर्स्ट आपका नंबर हुआ 3 फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस कितना है 3, और पॉजिटिव पे है तो सीरीज आप चाहें तो बना सकते हैं, 3 ऐड करेंगे 6 9, यानी 3 का टेबल मल्टीपल सीधे, ये आपका सीरीज बन गया। चलिए हमें फाइंड करना है एन टर्म, चलिए एन टर्म फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, 11 4 जा 44 होगा, तो डिफरेंस तो 4 हुआ ना, तो यहाँ पे आपका डी के प्लेस पे 4 होना चाहिए, ये 4 हो गया, एंड 4 2 जा 8 ये ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 5, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हुआ आपका 5, क्लियर। अब ए के प्लेस पे 5 होगा तो 4 डिफरेंस है, तो सेकंड 9 9 4 13। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एन टर्म, तो एन टर्म तो बहुत इजी होता है, सो ए एन इक्वल टू, फार्मूला तो आपका बेसिकली वही है, हमें तो एन टर्म फाइंड करना है, इन्फिनिटिव में क्या आएगा, तो एन बस को आप वहाँ पे शो नहीं करेंगे, हमारे पास वैल्यू है ही नहीं एन की, हमें एन टर्म मतलब एन इन्फिनिटिव का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ पे है, ए है, ए हमारे पास 5 है, एन एन माइनस 1 रहने दीजिए, डी के प्लेस पे 4 सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस n 4n 4 1 जा 4, सो 5 माइनस 4 1 प्लस 4n, ये आपका आंसर हुआ ए एन की वैल्यू, मतलब ए एन के प्लेस पे क्या आएगा, ए प्लस 4n। नाउ 16 टू सेकेंड
द सम ऑफ फिफ्थ टर्म सेवन टर्म ऑफ ए पी इज 52, यानी दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं 52 होता है, एंड 10 टर्म्स इज 46। तो जो हमें इजी वे पे दिया है उसे हम फर्स्ट राइट करते हैं। गिवन भाई हमें 10 टर्म फाइंड है, तो 10 टर्म कितना है 46। तो फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, तो n 10 में से एक माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 46। चलिए फर्स्ट तो हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ टर्म प्लस सेवन टर्म इज 52। चलिए फिफ्थ टर्म आपका 4d हो जाएगा, तो a प्लस एन माइनस वन, चलिए 5 माइनस 1 एक राइट कर लेते हैं, n के प्लेस पे 5 माइनस 1d, 7 में आप a प्लस 7 माइनस 1d, वैसे होगा 6d या 4d, लेकिन यहाँ पे चलिए प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कैसे। 4d ये हो गया 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 52। तो a ऐड होगा तो 2a, 4 और 6 10d इज इक्वल टू 52। आप चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 52, a प्लस 5d इज इक्वल टू 52 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ये हुआ रेडी आपका सेकंड इक्वेशन, a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 सेकंड इक्वेशन। अब चलिए फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट पे क्या है a प्लस 9d, सेकंड में सभी को माइनस कर दीजिएगा, a माइनस 5d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 46 माइनस 26, इसे कैंसिल, 9 माइनस 5 4d, 46 माइनस 26 20 होगा, सो d इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, सो डिफरेंस 5, ये आपका फाइंड हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन में जो आपको इजी लगे उसी पे ही वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें तो इजी सेकंड लग रहा है तो हम सेकंड पे करते हैं, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, d के प्लेस पे आप 5 कर दीजिए 26, सो 26 5 5 जा 25, और ट्रांसफर कर दीजिए माइनस 25, सो a की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट टर्म आपको 1 से स्टार्ट है, डिफरेंस 5 है, तो सीरीज ए पी सीरीज और फर्स्ट टर्म आपका 1। अब डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस प्लस करते जाएं, तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 5 21 डैश डैश डैश, ये आपका ए पी सीरीज हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ 8 टर्म ऑफ ए पी इज 0, तो गिवन है 8 टर्म आपका 0 है, तो भाई गिवन क्या है 8 टर्म इज 0, सो 8 टर्म क्या होगा, a प्लस 1 माइनस कर दीजिए 7d इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट इक्वेशन तो रेडी हो गया, अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, 38 टर्म्स इज ट्रिपल 18 टर्म्स, फिर वही वेट वाली बात आ गई ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आप एक काम करें 38 टर्म पहले आप कर लें और एक साइड आप कर लें 18 टर्म, बाद में डबल ट्रिपल होगा, पहले इसे राइट तो कर लें इस फॉर्म पे, तो 38 में 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 37d। चलिए सेकंड साइड करते हैं, 18 टर्म में 1 माइनस कर दीजिए 17d हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिपल किधर होगा, तो 38 इज ट्रिपल, तो 38 जो है वो ट्रिपल है, और हम ट्रिपल किधर करेंगे 18 के साइड, तो 18 के साइड फटाक से ट्रिपल आप कर दीजिए, तो 18 आपका ये ट्रिपल हो गया। ठीक है चलिए इनटू करते हैं और सॉल्व करते हैं, a प्लस 37d इज इक्वल टू 3a प्लस 17 3 जा 51d। देखिए अगर हम इसे फुल डिटेल करें तो यहाँ से हमें फाइंड क्या होगा, इन दोनों ये एक इक्वेशन रेडी करके देगा, और ये इक्वेशन को अगर हम इसमें सेटअप करें तो हमें a और d फाइंड होगा, फिर उससे हम क्या करेंगे 38 टर्म फाइंड करेंगे, फिर 18 टर्म फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे
प्रूव करेंगे 38 जो है वो 18 से 3 टाइम्स है। तो अगर इतना प्रोसेस आपको करना है तो फिर आपको कम से कम एक पेज लगेंगे, और अगर आप 2 लाइन पे इसे सॉल्व करना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में, तो आपको चलिए एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। ठीक है, हमने आपको ट्रिक बता दिया, इसमें से एक इक्वेशन लीजिए, हो गई होगा, उसको आप इसके साथ कंपेयर करिए, ए और डी की वैल्यू फाइंड होगी। अगर आपको लेंथी करना है तो वो ए और डी की वैल्यू को मिल जाने के बाद आप 38 टर्म्स आप फाइंड करिए, फिर 18 टर्म्स फाइंड करिए, फिर इन दोनों में चेक करिए 3 टाइम्स होता है नहीं होता, तो श्योर है कि वो 1 पेज का होगा। और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन है इसे हटा दीजिए। अब आप क्या करें, ये तो हमने आपको प्रैक्टिकल बताया जो वहाँ पे हुआ, तो आप प्रोसेस सिर्फ इतना करें, ए इक्वल टू आप क्या कर रहे हैं 7D को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया। सो ए की वैल्यू क्या आ गया, 7 - 7D। अब यहाँ पे देखिए, हमें सिर्फ ये बताना है कि 38 टर्म्स ट्रिपल है 18 से, तो 38 टर्म्स को आप लीजिए, ए 38 इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस करेंगे तो 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, तो वैल्यू पुट करिए ए के प्लेस पे, तो ए की वैल्यू क्या है, -7D प्लस 37D, माइनस कर दीजिए तो 30D हुआ, ये आपका आंसर हुआ ए 30 का। ठीक है, अब बात करते हैं 18 टर्म्स, इसी से तो कंपेयर करना है दोनों का, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ए 18, तो 1 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 17D। चलिए ए की वैल्यू क्या है, -7D प्लस 17D, माइनस करें तो माइनस करने में क्या आ जाएगा आपका 10D। अब आप चेक कर सकते हैं ये 3 टाइम्स है कि नहीं है, 38 है ना 3 टाइम्स, भाई अगर कंपेयर करें तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, चलिए कंपेयर ही कर देते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो 38 का यहाँ पे देखिए 30D और यहाँ पे आपका 10D, तो डी से डी कैंसिल, 10 3 जा 30, तो हुआ ना 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आप ये कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से ऑलरेडी आपका कंपेयर दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स है, तो इट इज़ क्लियर दैट T38 इज ट्रिपल ऑफ 18 टर्म्स। ठीक है, ए 30 और ये ए 18, ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म ऑफ ए पी सीरीज 3 10 17 3 10 17 -- विल बी 84 मोर देन इट्स 30 टर्म्स, तो कौन सा नंबर होगा जो 13 टर्म्स से 84 ज़्यादा होगा। तो भाई पहले 13 टर्म्स तो फाइंड कर लें, फिर उसके बाद 84 में बात करते हैं, पहले 13 टर्म्स को फोकस करते हैं। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए। अब भाई हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि हम इक्वेशन बनाएं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस भी है, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव को माइनस कर दीजिए बैक साइड से, 17 से चलिए 10 माइनस करते हैं, तो कितना हो गया आपका 7, ए और डी हमें फाइंड है ना, तो हम फाइंड करते हैं 13 टर्म्स, सो 13 टर्म, तो ए 13 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ए प्लेस में 3, एन आपका 13 माइनस 1 एंड डिफरेंस 7, सो 3 + 12 × 7, सो 3 + 12 = 84 या 87, 84 + 3 = 87। चलिए फाइंड हो गया ए 13 की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ए 13 टर्म से 84 अगर हम प्लस कर दें तो कौन से टर्म पे होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने चेक किया -- 13 टर्म में आपका आ गया क्या 84, ये सीरीज जाते जाते, तो -- हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 84 में हम यहाँ पे 87 है यहाँ पे, तो 87 में अगर हम 84 को ऐड कर दें तो 65 आपका 11 8 8 16 117 171, कौन से टर्म पे होगा। तो चलिए हमें ये तो पता है कि वो नंबर कहाँ पे है, भाई A1 A2 -- ये तो हमें फाइंड है ना, ये आपका फार्मूला हुआ, तो हमें ये तो फाइंड है, AN नहीं फाइंड है, लेकिन ये नंबर तो फाइंड है कि वहाँ पे 171 है,
सिंपल, हमें ए एन की वैल्यू तो है, हमें ये फाइंड करना है, सिंपल, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 84 मोर देन 30 टर्म्स, तो मीन्स क्या हुआ, 13 टर्म्स आपका क्या है 87, 87 से 84 मोर कर दीजिए, 74 11, 88 16 117, तो ये है जो वैल्यू, वो किसकी वैल्यू है, वो सीरीज के किसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 171 है, इस प्लेस पे कहीं ना कहीं 171 होगा, तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है, विच टर्म, ठीक है। तो टर्म चलिए फाइंड करते हैं, तो सो ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमें ए एन फाइंड करना है क्योंकि ए एन के प्लेस पे तो है 171, तो कर दीजिए 171, ए के प्लेस पे आपका 3 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस आपका 7 है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 171 माइनस 3 इजक्वल टू 7 एन माइनस 7, तो माइनस करेंगे तो 168, माइनस 7 को ट्रांसफ़र करिए प्लस 7, सो 7 एन 7 ऐड करते हैं तो आपका 175, सो 7 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, डाउन साइड, 7 टू जा 14, 3 रिमाइंडर, 7 फाइव जा 35, सो एन इजक्वल टू 25, यानी 25 टर्म में आपका 171 होगा, सो यहाँ पे राइट कर लीजिए, हैंस 25 टर्म्स इज रिक्वायर्ड टर्म्स या इज 171, ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ दिस वीडियो लाइक एंड शेयर।